सेजल, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं तो सिर्फ वॉइस कर रहा हूँ जो जनता, बिहार की जनता जिस आक्रोश में है, मैं सिर्फ उस आक्रोश को आवाज देने की मैं बात कर रहा हूँ। और यकीनन मौजूदा मुख्यमंत्री का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। आप देखेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो दिन रात गुस्से में रहते हैं, घबराए रहते हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास है, आभास है। मुझे आप ही सब के माध्यम से, पत्रकार मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चलता है कि भैया उनकी सीटें दहाई का भी आंकड़ा पार कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जब ये सारी जानकारी मुझे मिल रही है, पत्रकार साथी मुझे दे रहे हैं, तो यकीनन माननीय मुख्यमंत्री के पास भी ये सारी जानकारी होगी। और ये सारी जानकारी से ही मुख्यमंत्री इतने विचलित हैं, इतना तो तय है कि 10 नवंबर के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, उम्मीद ही नहीं, विश्वास हो रही है। विश्वास मेरा पहले चरण में गए हुए हर सीटों पर प्रचार किसे मिलता है। लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात करूं तो हम लोग के 42 प्रत्याशी मैदान में हैं और अधिकांश उसमें से जीत रहे हैं। जो हम लोग को अभी पिछले 2-3 घंटे से जो हम लोग फीडबैक ले रहे हैं सुबह जब से मतदान शुरू हुआ है, तो लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, लोगों में जो एक बदलाव के प्रति जो उनका संकल्प दिख रहा है, ये मेरे प्रत्याशियों की जीत को और ज्यादा सुनिश्चित करता है। और पूरा विश्वास है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा लोजपा की हम लोग बना रहे हैं। अपने तमाम युवा साथियों से खासतौर पर मैं आग्रह करूंगा, और खासतौर पर वो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार इस बार मतदान करने जा रहे हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और क्योंकि मेरे युवा साथी तमाम युवा हैं, तो अपने घर में जितने बुजुर्ग रिश्तेदार हों सबको लेकर जाएं। मतदान जितना ज्यादा होगा सरकार उतनी सशक्त बनेगी। ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपने लिए, अपने विकास के लिए, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए नई सरकार को चुनें।